हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकी सिविल वर्क में। तो आज हम जानेंगे कि वन वे और टू वे का लोहा कैसे बांधते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लोहा बांध के है, देखिए ये जो स्लैब बांध के है, मतलब ये टू वे का गाला है। मतलब ये देखिए, ये दोनों चारों साइड से भी अपना बेंट अप बार जो बोलती है, इसे जो बोलते हैं बेंट अप बार, ये देखिए ये बेंट अप बार चारों साइड से उठाया है मिस्त्री ने। ये देखिए इधर से भी है और ये देखिए चारों साइड से बेंट अप बार उठाया है। तो इसे टू वे का गाला कहते हैं। अब इसे टू वे का गाला कैसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसे टू वे का गाला इसलिए कहते हैं, मतलब ये हमारा स्लैब जो है, ये जो रूम है, मतलब ये जो रूम है, तो इसको ये 14x14 का है, तो इसलिए इसे 14x14 का गाला है। तो इसलिए इसे टू वे में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इसलिए। तो अब मान लीजिए कि अब इसको 14x14 है का गाला है, तो इसे टू वे में कन्वर्ट कर लिया है। अब मान लीजिए कि अगर यही रूम अगर 14x8 फीट की होगी होती 10 फीट की होती, तो ये टू वे का गाला नहीं करते। मतलब कैसे, डिस्टेंस बहुत अलग अलग होता, इसलिए वो टू वे का गाला नहीं होता, बल्कि वो वन वे का गाला होता। इसलिए इसे 14x14 का है का गाला रूम है, इसलिए इसे टू वे में लोहा बांध लिया है, टू वे में बांध दिया है। मतलब अब आप जानिए, अब ये टू वे का है, तो अब इसे लोहा कैसे बांधते हैं। अब इस लोहे को मालूम है क्या, इसको 1/4 में बांध दिया है, इस टू वे के गाले को 1/4 में। अब 1/4 यानी कि वही वैसे ही देखिए, अब मान जाइए कि 14x14 का है, अगर ये स्टेप से नाप लिया अपन ने, 14 फीट का आया है, तो 14 फीट के 4 भाग किए, तो 14 फीट के 4 भाग करने 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 अपने को, और उसके हिसाब से लोहा बांधने का है। तो अब ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी जानना आपको जरूर है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।